और आइए अब देखते हैं शाम 6 बजे से पहले 6 खबरें। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवाजी की प्रतिमा टूटने पर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता से माफी मांगी है। अजीत पवार ने कहा कि शिवाजी हमारे आराध्य हैं और एक साल के भीतर उनकी प्रतिमा टूटना हमारे लिए भी एक शौक है। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में कॉन्ट्रैक्टर जयदीप आपटे और स्ट्रक्चर कंसल्टेंट चेतन पाटिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उधर इस मामले में विपक्ष लगातार एकनाथ शिंदे सरकार पर अटैकिंग मोड में है। दरअसल 26 अगस्त को तेज आंधी की वजह से सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा गिरकर टूट गई। इस मामले में अब पीडब्ल्यूडी के एक असिस्टेंट इंजीनियर की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। यूपी में उपचुनाव से पहले बीएलओ के बदले जाने पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की है। पार्टी के राष्ट्र महासचिव रामगोपाल यादव और सांसद जावेद अली खान आज चुनाव आयोग पहुंचे। रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया कि यूपी में जाति के आधार पर नियुक्तियां की जा रही हैं ताकि बीजेपी को इसका फायदा मिले। रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग से इसकी भी शिकायत की कि यादव और मुसलमानों को बीएलओ तक नहीं बनाया जा रहा। रामगोपाल यादव ने कहा कि बीजेपी की नीतियां जनता देख रही है और इन्हें 2027 में यूपी से बाहर कर देगी। वहीं 2029 के लोकसभा चुनाव में भी जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। हमने कहा है कि जाति के आधार पर नियुक्तियां हो रही हैं बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए। यादव और मुसलमानों को हर पद से, यहां तक कि बीएलओ तक नहीं बनाया जा रहा है। अब बने थे उनको हटाया गया, वो सूची हमने दे दी। सीएम योगी आज अलीगढ़ दौरे पर थे जहां उन्होंने रोजगार और लोन मेला के तहत हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। लेकिन 10 सीटों पर उपचुनाव है तो योगी ने युवाओं को उसके लिए भी मैसेज दिया और विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। योगी ने कहा कि कांग्रेस और सपा में जिन्ना की आत्मा घुस गई है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर बैनर भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था और इसीलिए अंतिम समय में घुट घुट करके मरा था। ये लोग वही पाप आज लोग कर रहे हैं। भोपाल में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। महिलाओं के मुद्दे पर आज महिला कांग्रेस ने राजभवन मार्च किया। बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। पुलिस की बैरिकेडिंग को भी महिला कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया और राजभवन की तरफ आगे बढ़ गए। लेकिन बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस फोर्स ने महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक दिया। दिल्ली शराब घोटाले में के कविता को 5 महीने बाद जमानत मिली है। कल जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली में उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया और आज के कविता हैदराबाद पहुंची है जहां एयरपोर्ट पर उनके सपोर्टर्स ने जोरदार स्वागत किया और के कविता ने भी गाड़ी से बाहर निकलकर समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया। गुजरात के 13 जिलों में भारी बारिश हो रही है। जामनगर में भी लगातार हो रही बारिश से सड़कें पानी में डूब गई हैं। यातायात व्यवस्था पर इसका जोरदार असर दिख रहा है। जामनगर द्वारका हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। भारी बारिश की वजह से सड़क के किनारे बने गड्ढे पानी से लबालब हैं और ये पानी अब सड़कों पर बह रहा है। हादसे की आशंका को लेकर इस सड़क पर यातायात रोक दिया गया है। यात्री परेशान है और पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं।